आज हम सबके लिए है बेहद खास दिन, क्योंकि आज है मदर्स डे। हर किसी के लाइफ में माँ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो इस मदर्स डे आपके चहेते सितारे अपनी माँ से क्या कहना चाहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मॉम, दैट आई लव यू अ लॉट एंड आई लव यू एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ एंड यू आर द बेस्ट एंड आई वॉन्ट टू सी यू स्माइल एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू डू सो एंड सॉरी अगर यू नो गुस्से में मैंने अपने मॉम को, हम जब यंगर होते हैं हम रियलाइज़ नहीं करते, कभी कभी हम पेरेंट्स के साथ रूड हो जाते हैं, कुछ गलत कह देते हैं, सो आई एम सॉरी इफ़ आई हैव हर्ट यू इन एनी वे एंड आई लव यू द मोस्ट। मैं इस मदर्स डे पे अपनी मॉम को कहना चाहूँगी जो चीज़ मैं आई डोंट थिंक इतनी ऑफन कहती हूँ, मैं इतनी वर्बल नहीं हूँ अपने फीलिंग्स के बारे में, लेकिन मॉम आई लव यू एंड आई लव यू अ लॉट। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी हर कदम पे, वेदर आई एम हैप्पी, वेदर आई एम सैड, वेदर आई एम लो, वेदर आई एम डिप्रेस्ड, वेदर आई एम जंपिंग फॉर नो रीज़न, शी इज़ ऑलवेज देयर विद मी। आई थिंक मैं उन्हें बहुत इरिटेट करती हूँ, मैं अपनी चीज़ें खुद नहीं कर पाती, मुझे मम्मी हर चीज़ में चाहिए एंड शी इज़ ऑलवेज देयर। आई नीड टू थैंक हर अ लॉट एंड से like sorries, like enough sorries, because I've done so many mistakes and she's done so much for me, and still, you know, her job, it's not her job basically, it's a very thankless, you know, we just take parents for granted, and I think that is really really mean of me to do that, so yeah, sorry and thank you mommy. Yo, oh my god. नहीं आई डोंट वॉन्ट टू से टू मच बट आई डोंट इवन से इट वेरी ऑफन बट आई लव यू मॉम। अच्छा नाउ दैट इज़ नॉट इमोशनल ना, आई मीन माय या। सबसे पहले मैं इंडिया फोरम्स के सभी फैंस को विश करना चाहूँगी हैप्पी मदर्स डे, और मैं सबको ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी मदर्स को जितना प्यार दे सको, नॉट ओनली टुडे, एवरी डे दो, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए जितना किया है आई डोंट थिंक कोई कर सकता है, बिकॉज आई रियली मिस माई मदर, शी इज़ नॉट देयर विथ मी टुडे, दैट वैक्यूम कैन नेवर बी फिल्ड बाई एनी बडी, सो जस्ट लव देम टिल दे आर विथ यू। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट आई एम हियर, इट्स बिकॉज ऑफ यू दैट हु आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ यू आई एम ब्रीदिंग, नॉट ओनली दैट यू आर द पर्सन from whose eyes I saw this world before I could open my eyes in the world. For me, every morning that I wake up, I always thank God, A, for my life and B, for my family. And of course, the biggest prayer in my life is that thank you God for giving me such a beautiful mother. So, ye meri prayer every morning whenever I wake up. Mother's Day hai, of course, it's a special occasion or a special thank you system. So, yeah. I think my mom is the most brilliant and the most amazing person that I've ever come across. Not because she's my mother, but because wo hai aisi, and I'm very thankful. She's such an inspiration. I think I should positively say that whatever I am today is because of my mother. I can absolutely and say it with most confidence. And she chose this dress also for me. So she has lived in Nainital, but mentally she is much ahead, and I'm very proud to be a daughter of such a beautiful mother. Well, it's only a mother, you know, जिसको आप अपने tantrums throw कर सकते हो, जिसके साथ आप गुस्सा हो सकते हो, and she's the one who calls back and asks कि खाना खाया, नहाई, did you wake up? Because you know, since last few months I was not waking up before 1-2, so she used to wake me up. उठ जा, दिन निकल गया. So I know, yeah. I mean, you can't live without your mother, even if she's on phone. I think Mother's Day is so इतना special है कि मेरे birthday पर ही आ रहा है. मेरी mom मेरे लिए बहुत special है, मेरी जान है, मेरा जहान है, honestly. I absolutely love my mother. Very little to express because it's very hard to contain what you feel for your parents. But a lot of love here. क्या बोलूँ? You know, शब्द ऐसे काफी नहीं हैं. I think I'm really happy that I have her by my side all the time, and you know, thank you for your love. मैं कितना भी प्यार करूँ, it's not going to be enough. कितना भी thank you बोलूँ, it's not going to be enough. मेरी mom आई हुई हैं. एंड अभी दिल के द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, बट वी ऑल जस्ट वेंट टू वेंट शॉपिंग, दैट्स व्हाई आई एम लेट, बिकॉज आई आउट माय मॉम एंड माय सिस्टर एंड पूजा, ऑल ऑफ अस वेंट आउट, वेंट हैड अ गुड टाइम. आई थिंक आई एम ग्रेटफुल माय मदर्स डे, यू शुड सेलिब्रेट मदर्स डे एवरी डे. व्हाट इज दिस मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे एंड ऑल? कि मदर्स डे मेरी मॉम को पता है कि मैं बचपन से ज़्यादातर अभी तक मैं ध्यान नहीं दे पाया था इस चीज़ पर, बट मेरी मॉम हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है. तो मैंने नोटिस किया है कि मदर्स डे पे अगर रात को 12 बजे मेरी मॉम को मैसेज चले जाता है ना मेरी तरफ से कि हैप्पी मदर्स डे, तो मेरी मॉम का पूरा दिन खुश हो जाता है कि मेरे बेटे ने मुझे रात को याद कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है. क्योंकि मैं हूँ नहीं ऐसा कि फादर्स डे और मदर्स डे और वैलेंटाइंस डे इन सब में मैं बिलीव नहीं करता. जैसा कि मेरी मॉम
भी एक्सपेक्ट करती हैं, वैसे सारी मॉम एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके बच्चे उन्हें विश करें, क्योंकि एक ही माँ होती है, बाकी सारे रिलेशनशिप जो होते हैं, गर्लफ्रेंड्स नहीं मिल सकती है, बीवी दूसरी आ सकती है पर माँ कभी नहीं मिल सकती है। बेटर रिस्पेक्ट योर मॉम एंड लव हिम, लव हर अ लॉट। नहीं नहीं, मैं अपनी मदर को सब कुछ कह देता हूँ, मैं बहुत वोकल हूँ अपना बताने में, बट आई जस्ट लाइक टू से दैट यू नो मॉम, आई थिंक आई गॉट मोर देन माई शेयर व्हेन आई गॉट यू, एंड आई थिंक यू गॉट अ रॉ डील। क्योंकि माँ इतनी खास होती है, उनके लिए कुछ खास स्पेशली कहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आई थिंक जस्ट टू से आई यू लव हर एंड टू से दैट एवरी डे, और उसका इजहार करना आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज माँ एक ऐसी यू नो एक ऐसा रिलेशन होता है जो आपके लिए इतना कुछ करती है विदाउट रियली शोइंग इट एंड एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, एंड यू कांट रियली डू एनीथिंग टू मैच दैट। या सो आई थिंक एज लॉन्ग एज आप यू कैन जस्ट से आई लव यू एवरी डे एंड जस्ट ट्राई एंड बी अ गुड सन, दैट्स इंपॉर्टेंट। यस, हाँ, मम्मी को बस यही कहूँगा कि उनकी दुआएं मेरे साथ बनी रहें, मेरी उम्र भी उनका लग जाए, क्योंकि बिकॉज जो कुछ भी मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। सी आई थिंक गाइज जो होते हैं ना, जहाँ तक मुझे मेरे एक्सपीरियंस जहाँ तक मुझे लगता है, देर नॉट दैट एक्सप्रेसिव व्हेन इट कम्स टू आई थिंक यू नो एक्सप्रेसिंग थिंग्स। आई डोंट रिमेंबर टेलिंग माई मॉम हाउ मच आई लव हर लास्ट। नॉर्मली जब गोवा में होता हूँ, दरबार रुपी उनको मैसेज कर देता हूँ आई लव यू मॉम, और उनको हमेशा लगता है मजाक कर रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियली रियली लव हर। एंड सी ऑल द पेरेंट्स, मॉम, डैड, दे डू ऑल द पॉसिबल थिंग्स फॉर द चिल्ड्रन, बट आई थिंक व्हाट माई मॉम हैज डन, आई कांट थैंक हर इनफ फॉर यू नो लीविंग द फैमिली, ऑल द रिलेटिव्स बैक देयर इन अलाहाबाद एंड चंडीगढ़ एंड कमिंग डाउन टू बॉम्बे जस्ट फॉर मी, जस्ट बिकॉज आई वाज इनिशियली आई वाज स्ट्रगलिंग एंड यू नो आई वाज नॉट रियली हैप्पी इन बॉम्बे एंड was homesick, so she left everything and you know got herself transferred to Bombay and came here and helped me. And the best part was when I used to come back after work sara din thakar ke kaam ke baad wapas aana, the feeling and you know ki ghar mein mom wait kar rahi hai, ghar ka khana milega, that feeling was I think more than enough to you know stay in Bombay. And I think this is the biggest reason I've survived and stayed in Bombay and now living it actually. As I said, to thank them for what they do, you know, for their children, it's I'll again, you know, fall short of words. जो कहते हैं कि भगवान की जगह नहीं हो, भगवान हर जगह नहीं होता, इसलिए मॉम को मॉम भेजता है, एंड इट्स एक्चुअली ट्रू बिकॉज ओनली अ मदर नोज ही वॉट शी यू नो डज फॉर अर चिल्ड्रेन एंड वॉट पेन शी गोज थ्रू ऑल हर लाइफ जस्ट फॉर दैट वन स्माइल ऑन देयर चिल्ड्रेन, यू नो चिल्ड्रेन्स फेस, एंड आई थिंक नोबडी कैन फील इट एंड नोबडी कैन थैंक देम, मतलब वर्ड्स हमेशा कम पड़ जाएंगे यार, एंड सुपर। आई मीन देखिए, मैं सही बताऊँ, अगर मैं मायने बताने जाऊँगा तो मुझे शब्द ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि माँ एक बच्चे के लिए उसकी ज़िंदगी है और ज़िंदगी से ऊपर कुछ चीज़ नहीं होती। बस आई लव माई मॉम और मैं यही चाहूँगा कि उनका हाथ हमेशा मेरे सर पे बना रहे और मैं उनकी छाया में रहूँ। और बस काफ़ी बार मैंने मतलब सरप्राइज़ दी है, लेकिन मदर्स डे पे एक्चुअली मुझे याद नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं अपनी मतलब रोज़ ही बात करता हूँ तो क्या कहते हैं मदर्स डे, मतलब मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और क्या कहते हैं कोई पर्टिकुलर दिन जो है मैं मानता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। हर मतलब आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मेक देम फील स्पेशल जब भी आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हम जितने भी लोग हैं, कुछ मैंने लाइनें लिखी थी, मेरे को पता नहीं अभी याद आएंगी नहीं आएंगी, उसका मतलब ये था कि हम सब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, हम सब हमारी माँ की वजह से, हमारी डैड की वजह से इस दुनिया में हैं, और बहुत खुशनसीब हैं कि हमको ये ज़िंदगी मिली और उन्होंने दी। और इस दुनिया में अगर कोई प्यार है, ना तो बहन भाई का, ना कोई भी और रिलेशन में, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि प्यार जो है सेल्फलेस होता है, सिवाय पेरेंट्स के उनके बच्चे के लिए, वो एक सेल्फलेस प्यार है। और माँ का बहुत होता है, माँ का झुकाव बच्चों के लिए बहुत होता है, मतलब खुद को कुर्बान करके और बच्चों को पालना और बच्चों के लिए सब कुछ करना, सब कुछ होते हुए भी अगर कोई, आप ये समझ लीजिए कि अगर थाली में एक लड्डू भी पड़ा है तो वो कोशिश करेगी अपने बच्चों को दे, तो माँ से मुझे लगता है जो उसकी ममता है वो बहुत अनोखी है। इस दुनिया में पता नहीं कोई बच्चा इतना ऐसा, श्रवण कुमार तो थे और बाकी किसी का नहीं पता। मेरी कोशिश जारी है कि किसी दिन कुछ ऐसा कर दूं कि उन लोगों को मतलब प्राउड फील हो कि ये हमारा बेटा है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर। हैप्पी मदर्स डे।
टू ऑल द मदर्स आउट देयर एंड एक्सपेक्टिंग मदर्स एंड हर कोई जो मदर बनेगी फ्यूचर में विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे एंड यस हैव अ ग्रेट वंडरफुल डे ऑन 11th अमित से मेरी मॉम को हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू एंड ऑल द मदर्स स्पेशली थैंक यू फॉर एवरीथिंग हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ इंडिया फोरम हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस Happy Mother's Day to all the viewers. Thank you. Happy Mother's Day, Ma. And to all the mothers in the world. This is to all the beautiful mothers. Happy Mother's Day. God bless. Mommy, Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day, Mom. And to all the mothers out there who are loving, who are selfless, and you know, who have produced beautiful children. मैं इंडिया फोरम्स के सारे दर्शकों को मदर्स डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं. I think There is no other gift than spending time with your parents, quality time with your parents. तो अपने cell phones छोड़ दीजिए, अपना Twitter वगैरह फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें छोड़ दीजिए. Just spend undivided quality time with your parents because that's all they need. Happy Mother's Day. तो आप भी जाइए और अपनी मम्मा को special feel करवाइए. उनके लिए gifts लीजिए, उन्हें dinner पे ले जाइए और उनके लिए हर वो चीज़ कीजिए जिससे उन्हें खुशी हो. और आज ही नहीं, उन्हें हमेशा खुश रखिए, क्योंकि माँ हमारी ज़िंदगी का सबसे अनमोल हीरा है. और इस मदर्स डे मैं भी मेरी मॉम से कहना चाहती हूँ, मम्मा यू आर द वर्ल्ड फॉर मी, आई लव यू सो मच. सारे इंडिया फोरम्स के व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी मदर्स डे. कैमरामैन मंगेश के साथ रुचिका सिंह, इंडिया फोरम्स, मुंबई. हाई, दिस इज अविनाश सचदेव एंड यू वॉचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स.com. प्लीज़ सब्सक्राइब टू व्हाट्सअप टीवी.